तीसरी थाना क्षेत्र के घंगरीकुरा गांव के पास वन विभाग की टीम ने शनिवार देर रात को अवैध बेशकीमती माइका लदा पिकअप बोलेरो जब्त किया। जब्त ढिबरा लदा वाहन को रेंज कार्यालय गावा ले गए। वन विभाग की टीम को देख वाहन ड्राइवर भागने में सफल रहा। वन विभाग की टीम अवैध माइका और वाहन किसका है स्पष्ट रूप से बताने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग की टीम में शामिल एक वनकर्मी ने नाम नहीं छपने की शर्त पर बताया कि जब्त माइका लदा पिकअप बोलेरो को जब्त करने के पश्चात पता लगाने पर बताया गया कि पंचरुखी जंगल से मजदूरों द्वारा माइका को एकत्रित कर समसूल और अली नामक व्यक्ति के पास बेचा जाता है, जिसे शनिवार रात को पिकअप में लाद कर डोमचांच भेजने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने पीछा कर घंगरीकुरा में शनिवार देर रात को पकड़ लिया गया। हालांकि वाहन ड्राइवर वन विभाग की टीम के चंगुल से भाग गया। तीसरी वनपाल अमर विश्वकर्मा ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम में मुकेश दास, गौतम दास, अशोक कुमार, जिलाजीत कुमार, दिनेश दास, हीरालाल पंडित सहित कई वनकर्मी ने घंगरीकुरा गांव के पास डोरंडा जाने वाली मुख्य सड़क पर माइका लदा पिकअप बोलेरो को धर दबोचा गया। उक्त ढिबरा लदा पिकअप बोलेरो तीसरी थाना क्षेत्र के पंचरुखी जंगल से लोड कर मसनो डी डोमचांच जाने की सूचना पर वन विभाग के टीम ने पीछा कर घंगरीकुरा में दबोचा गया। उन्होंने कहा पंचरुखी में ससुराल और अली द्वारा माइका खरीदने की जानकारी है, जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि जब्त माइका किसका है। इस मामले में दिनेश दास ही बता सकते हैं।